Good morning, my dearest one. So I'm going to tell you about the chapter 2, Lake Isle of Innisfree. तो यहाँ पे chapter 2, Lake Isle of Innisfree, यहाँ पे इसका solution दिया गया है. यहाँ पे solution हम सारा यहाँ पे solution है chapter 2 का. What desire is expressed? The question number first is that what desire is expressed by the persona in the first line? यानी पर्सोना, पर्सोना मीन्स क्या होता है, आपका कैरेक्टर होता है. यानी एक जो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में यानी नरेटर पर्सोन, एक पोइट अपने आप को क्या गया, एक पर्सोना भी कहा जाएगा. पर्सोना मीन्स कैरेक्टर प्लेड इन अ मूवी और इन एनी राइटिंग. तो यहाँ पे पर्सोना दिया गया. तो व्हाट डिज़ायर इज एक्सप्रेस बाय द पर्सोना इन द फर्स्ट लाइन. तो फर्स्ट लाइन में पर्सोना क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएम. तो टू गो टू इनिसफ्री विच इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस है वेयर नेचर इज एक्सप्रेस्ड इट्स फ्रिल स्विंग्स. कहाँ जाने की बात करते हैं, इनिसफ्री जाने की बात करते हैं, ठीक है, जो क्या है बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे नेचर क्या है, एक मानो झूला झूल रहा हो. नेचर वहाँ पे क्या है, पूरा एक मानो झूला झूल रहा हो. ऑन द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट ऑन रीचिंग इनिसफ्री व्हाट डज द पर्सोना प्लान टू डू. मतलब इनिसफ्री पे पहुंचने के बाद पर्सोना क्या करने का प्लानिंग करते हैं. ही प्लान्स टू बिल्ड अ स्मॉल स्मॉल हट ऑफ क्ले एंड वेटल्स. ही विल हैव अ 9 bean rows एंड अ हाइव फॉर द हनी बीज. वहाँ पे जाकर क्या प्लान करना चाहते हैं, एक स्मॉल हट बनाना चाहते हैं. किस चीज़ का, क्ले का और वेटल्स का. एंड वो क्या करेंगे, और ही विल हैव 9 beans raw. बीन मीन्स क्या होता है, बीन एक एडिबल सीड होता है, उसको वहाँ पे जाएंगे उगाएंगे. एंड हैव एंड हाइव फॉर द हनी बी. और क्या रखेंगे, एक हाइव भी रखेंगे किसके लिए, हनी बी के लिए. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द पर्सोनस डिज़ायर इन द लाइन एंड अलोन इन द बी लॉर्ड क्लेट. मतलब पर्सोना के डिज़ायर को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है. ये क्या है लाइन आपका, एंड अलोन इन द बी लॉर्ड क्लेड. तो आंसर ये है, द लाइन एक्सप्रेसेस हिज विश टू लिव अलोन एंड हिज विश टू लिव इन द प्लेस वेयर हाइव एंड हनी बी हमिंग ऑल अराउंड. ये लाइन क्या एक्सप्रेस करता है, उसके इच्छा को एक्सप्रेस करता है. मीन्स पर्सोना की इच्छा को एक्सप्रेस करता है, जो वहाँ पे अकेला रहने के लिए बोला जा रहा है, और उसका इच्छा वहाँ अकेला रहने के लिए भी है, जो क्या है टू लिव इन द प्लेस, जो क्या है बहुत ही वैसे जगह पर रहने के लिए बोला जा रहा है. वहाँ पे क्या होगा, हाइव होगा क्या, और हनी भी होगा चारों तरफ, मतलब ये हमिंग करते हुए. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ शैल द पर्सोना हैव पीस इन इनिसफ्री. एक्सप्लेन फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाउ शैल द पर्सोना हैव पीस इन इनिसफ्री. आखिर पर्सोना मतलब इनिसफ्री में कैसे शांति से रहेगा, पीस से रहेगा. एक्सप्लेन फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, इस लाइन को क्या करने बोला जा रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला है. नेक्स्ट इज दैट दिस वर्ड्स मीन दैट पीस सराउंड्स दैट एरिया एट डाउन. तो ये वर्ड्स क्या एक्सप्रेस करता है, ये वर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक शांति हो जाएगा जो क्या रहता है उस एरिया में, डाउन के समय में पूरा चारों तरफ फैला हुआ रहता है. अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, हाउ डज द पर्सोना डिस्क्राइब द वेरियस चेंजेस ऑफ द डे दैट विल सूथ हिम. मीन्स पर्सोना कैसे अलग अलग तरीके से बयान करते हैं, किस चीज का, ऑफ द डे दैट विल सूथ हिम. सूथ मीन्स क्या होता है आपका, एक काम, शांति होना एक तरफ से, ठीक है, सुकून पाना. आंसर, ही इज रिमाइंडेड ऑफ हिज पास्ट हिज बॉयहुड. वो जब उसे याद आती है अपना बचपना, पास्ट के बारे में, पास्ट में कब, उसका अपने बचपना के बारे में. व्हेन ही इज विजिटेड द पीसफुल लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, वो क्या होता है अक्सर वहाँ पे पीसफुल लेक में जाया करता था, जो क्या है आइल ऑफ इनिसफ्री है. एंड ही विल लिव, फिर वो वहाँ पे जा करके रहेगा और अकेला रहेगा. एंड बिल अ स्मॉल केबिन, वहाँ पे केबिन भी बनाएगा वेयर क्रिकेट सिंग्स हैं, वहाँ जहाँ पे क्रिकेट भी गाया करती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन लेक वाटर लाइपिंग विद लॉ साउंड्स. इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है. तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, इट इज़ ऑर्डिनरी बट बिविचिंग सीन.
ये ऑर्डिनरी तो है लेकिन क्या है, बिविचिंग सीन भी है। बिविचिंग मीन्स ग्लैमरस, जो मन को मोह लेता है। द वेव स्ट्राइक द लेक्स शोर टू क्रीट अ प्लीजिंग एंड सूथिंग साउंड्स है। यहाँ पे वेव जो होती है, ठीक है, वो किनारे पे जब आती है तो क्या क्रिएट करती है, एक प्लीजिंग एंड सूथिंग साउंड को क्रिएट करती है। सूथिंग मीन्स क्या हो गया, कामिंग, मतलब जो हमारे दिमाग को शांत करता है, शांति वाला साउंड यहाँ पे क्रिएट करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सैड नोट ऑन विच द पोएम एंड्स। वो सैड नोट क्या है जिसमें पोएम्स खत्म होती है, क्या है आपका सैड नोट्स, द पोएम्स लाइन, ये पोएम्स लाइन है, लास्ट लाइन है आपका, आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर रिफर टू द साउंड्स ऑफ द वेव्स लैपिंग ऑन द शोर। ये पोएम्स का जो लाइन है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर, ये आपका लाइन हो गया, लास्ट लाइन हो गया पोएम्स का, लास्ट लाइन पोएम का साइड लाइन हो गया एक तरफ से। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, रिफर्स टू द साउंड्स ऑफ द वेव्स लैपिंग ऑन द शोर्स, ये किस चीज को रिफर कर रही है, ठीक है, उस साउंड्स को रिफर कर रही है जो क्या करती है, किनारे पे आप पे आकर के वो टकराती है। द हॉन्टिंग इमेजेस, जब वो टकराती है तो क्या क्रिएट करती है, एक हॉन्टिंग इमेजेस, हॉन्टिंग इज ड्राउन इमेजेस ऑफ द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, यानी लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में एक ड्राउन इमेज क्रिएट करती है। और हर्ट नॉट इन हीज हेड, और हर्ट नॉट इन हीज हेड बट इन हीज हर्ट, ठीक है, ये सिर्फ उसके उसके दिमाग में ही नहीं रहता, बल्कि वो जो इमेज बनता है वो उसके दिलों में जाके छुप जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुने, इसे तो सारा क्वेश्चन आपको ध्यान से ही सुनना है। व्हाट मैसेज डज द पर्सोना कन्वे थ्रू दिस पोएम, आखिर पर्सोना इस पोएम के थ्रू कौन सी मैसेज देना चाहते हैं। ही कन्वेज थ्रू दिस पोएम दैट प्रेजेंट वर्ल्ड इज फुल ऑफ डर्ट एंड नॉइज, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू, कहना चाहते हैं कि प्रेजेंट वर्ल्ड जो है वो क्या पूरा गंदगी से और पूरा शोरगुल से भरा हुआ है, इसलिए वो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री के लिए लेक आइल ऑफ इनिसफ्री को जाने के लिए भी कहते हैं, डर्ट और नॉइज से पूरा भरा हुआ है। एंड ही हाईलाइट्स द मॉरल वैल्यू ऑफ एप्रिसिएटिंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ नेचर, अब वो क्या हाइलाइट्स करते हैं इस बात को भी बताते हैं, एक मोर एप्रिशिएट मतलब तारीफ भी करते हैं मॉरल वैल्यूज का, किस चीज़ के लेकर के, नेचर ब्यूटी के लेकर के, जो कहाँ मौजूद है, किसमें है, नेचर में ही है, मतलब जो कि भगवान के द्वारा बनाया गया नेचुरल ब्यूटी में है, उसी में है। वाइल सर्चिंग फॉर नेचुरल ब्यूटी वन कैन फाइंड सॉलिट्यूड एंड पीस, जबकि क्या करता है, कोई भी नेचुरल ब्यूटी के तलाश में, अगर नेचुरल ब्यूटी के तलाश में रहेगा तो तन्हाई और मतलब अकेलापन, अकेलापन मतलब सुकून शांति है, वो सुकून शांति को तलाश कर सकता है कौन, अगर वाइल सर्चिंग फॉर नेचुरल ब्यूटी, जो क्या करेगा नेचुरल ब्यूटी को सर्च करेगा उसी को सुकून मिल सकती है, अदरवाइज नो चांस है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी, तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, नो डाउट, और इसी तरह आपको सब इसमें सब्सक्राइब भी करना है, और सारा क्वेश्चन आंसर हम इसी में डालते चले जाएंगे, आपको बाकायदा बार बार इसमें आसानी होते चले जाएगी। थैंक यू सो मच।